पूरे देश में 15 जनवरी आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते सभी जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में इंदौर के महू में 69वें आर्मी दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। मिलिट्री हॉस्पिटल में आयोजित इस कैंप में 200 से अधिक ऑन ड्यूटी सैनिकों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। इस दौरान मेजर रागिनी थापा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। वहीं मेजर रागिनी थापा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कैंप के द्वारा सैनिक परिवारों का भी हौसला बढ़ता है। हालांकि इस शिविर में सिविलियन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं शिविर के संयोजक ब्रिगेडियर अनिल मेमोन ने बताया कि इमरजेंसी में ब्लड की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहना चाहिए। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दौरान जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें से एक ब्लड डोनेशन होता है, ये एक बड़ा नेक चीज़ होती है। तो हमने सोचा था इस बार हमारे अस्पताल की तरफ से आर्मी डे के उपलक्ष्य में हम ये ब्लड डोनेशन कैंप करवाएं। और इसमें हमने जो MY हॉस्पिटल है इंदौर का, उसके ब्लड ट्रांसफ्यूशन डिपार्टमेंट की मदद ली और हमने यहाँ के जो भी लोकल हमारे आर्मी के लोगों को बोला था कि आप वॉलंटियर करें और डोनेशन करें। इस तरह की गतिविधियाँ हमने पहले भी करी थी। बेसिकली ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नोबल चीज़ होती है कि आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इमरजेंसी में कभी ब्लड की ज़रूरत होती है, डोनर अवेलेबल नहीं होते, तो ये ब्लड जो होता है स्टोर किया जाता है और इसी के आधार पर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। JSR टाइम्स के लिए महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।